हेलो एवरीवन. सो गाइस, आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स आस्किंग अबाउट सर ये वाला कॉलेज का कैसा है, ये वाला कॉलेज का रिव्यू दे दीजिए, इसके प्लेसमेंट्स कैसे हैं. एंड आल्सो ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप देयर आर एंड व्हाट्सएप ग्रुप देयर आर टू मेनी मैसेजेस एंड टू मेनी स्टूडेंट्स आस्किंग अराउंड दैट ये वाली कॉलेज कैसा है, बिकॉज ये वाली कॉलेज उनको अलॉट हुई है. बट गाइस, दिस वीडियो आई एम मेकिंग सो दैट आई कैन हेल्प यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज बैड डिसीजंस और जस्ट मेकिंग एनी रैश डिसीजन, बिकॉज ये कॉलेज मिला है चलो ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा. एंड यू विल मेक दिस रैश डिसीजन बिकॉज तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बहुत लिमिटेड और दूसरी बहुत गलत है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे बहुत बार सवाल आता है दैट सर फॉर एग्जाम्पल एनएल दालमिया उसने पीछे डीएम अब चालू कर दिया है एंड वो एमएमएस नहीं लेते, बाद में देर इज वेलिंकर एंड देर आर अल्केश दिनेश, देर इज लाला लाजपत राय, ये सब कॉलेजेस ये कैसी है, हाउ डज दिस कम्पेयर टू, इसके प्लेसमेंट सिग्नम के कम्पेरिजन में कैसे है, या फिर वेलिंकर और पुम्बा, वेलिंकर एक हायर रैंक है, पुम्बा एक रिलेटिवली उसके एक रैंक नीचे है, तो उनमें क्या फर्क है, प्लेसमेंट का कितना फर्क है. सो गाइज, फर्स्ट थिंग, दीज रैंक्स आर बेस्ड ऑन वॉट इज द स्टूडेंट्स प्रेफरेंस. ये जो रैंकिंग दिया हुआ है वो प्लेसमेंट्स, बाद में फैकल्टी कैसा टाइप ऑफ एजुकेशन है, कौन सा टाइप का बैच होता है, तो इस हिसाब से ये सारी रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स. सो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड दैट जेबी से कम सिडनम का पैकेज, सिडनम से कम वेलिंगकर का पैकेज, वेलिंगकर से कम पुम्बा का पैकेज, तुम्हें पूरी लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी. दिस इज द रैंकिंग दैट आई गिव एंड यू विल सी वन लाइन है, वो एक लाइन क्या है, दीज आर कॉलेजेस दैट आई रिकमेंड, इसके नीचे मत जाना. देन यू मस्ट बी थिंकिंग दैट सर ये कॉलेज तो मुझे अलॉट हुए, मैं वहाँ पे क्यों ना जाऊँ. नाउ इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. सो आई वन ऑफ माई स्टूडेंट शी हैड कम टू माई ऑफिस एंड आस्क मी कि सर मुझे ये एक्स वाई जेड कॉलेज, नाउ आई वोंट नेम द कॉलेज, एंड वो कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल रहा है, वाई शुड आई नॉट टेक इट, बिकॉज शी वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, तो मैंने उसको बोला मत लो. मैंने वेरी सिंपली, मेरा बचपन का दोस्त वही कॉलेज से है, मैंने उसको बोला दैट प्लीज हैव अ टॉक विथ हिम एंड मैंने फोन स्पीकर पे रखा. सो आई डिड नॉट मैनिपुलेट द कॉन्वर्सेशन एट ऑल. मैंने सिर्फ इतना पूछा, माई फ्रेंड्स नेम इज हर्षिल, हर्षिल जस्ट टेल मी तेरा ओवरऑल पैकेज कितना था. He said he was from this college, probably among the top 10 colleges only. It's one of the top 10 colleges under CET. He said ki jagar mera average package was 11 lakhs. But when I went into the company, tab mujhe mera package was 11 lakhs. But jab main company mein gaya, tab pata chala that mera fixed bahut kam hai. और फिक्स्ड में से भी जो मेरा एक्चुअल सैलरी इन हैंड आने वाला है वो और भी कम है. नाउ दैट गाय ही एंड अप अर्निंग अराउंड 35,000 to 40,000 इन हैंड सैलरी एंड उसके ऊपर का बाकी सब इंसेंटिव्स था. अंडरस्टैंड द सीटीसी और द पैकेज मींस कंपनी को तुम्हें मैक्सिमम कितना पैसा देना पड़ेगा. एज द कॉलेज रैंक्स रिड्यूस, ऑल्दो पैकेज तुम्हारा 16 lakh, 17 lakh जितना मिल जाए, बट कंपनी तुम्हारा फिक्स्ड कंपोनेंट कम रखेगी. दिस इज डन बाय द प्लेसमेंट कमिटीज टू शो देयर कॉलेजेस बेटर. प्लेसमेंट रिपोर्ट इसलिए निकलता है सो दैट स्टूडेंट्स कॉलेज की तरफ अट्रैक्ट हो और कॉलेज का इनकम जनरेट हो फ्रॉम योर फीस. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दीज प्लेसमेंट रिपोर्ट्स एज यू गो डाउन लोअर इन द रैंक्स, द प्लेसमेंट रिपोर्ट्स आर मोर एंड मोर मैनिपुलेटेड. व्हाई? बिकॉज उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से प्लेसमेंट सबको अच्छा नहीं मिलता. एंड अंडरस्टैंड दैट फॉर अ कॉलेज लाइक वेलिंगकर और फॉर अ कॉलेज लाइक आईआईएमटी, जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, वेलिंगकर पहले 150-200 स्टूडेंट्स है, अब 800 के ऊपर स्टूडेंट्स लेता है. आईबीएस विच फर्स्ट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ वेरी लेस स्टूडेंट्स, अब एक एक सेंटर में, मतलब एक एक जो उनका ब्रांच है उसमें 1400-1200 स्टूडेंट्स लेता है. दैट मीन्स इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को प्लेस करना है और इतने ज्यादा मार्केट में जॉब. सो द प्लेसमेंट रिपोर्ट्स आर एक्सट्रीमली मैनिपुलेटेड एंड बी वेरी केयरफुल. इफ यू वॉन्ट अ वीडियो मी एक्सप्लेनिंग दैट हाउ द placement reports are manipulated, then just put it down in the comments. Let me see आगे कौन से सवाल मुझे आते हैं. Yes, how do you select colleges? So guys, colleges तुम उस basis पे करो. Like for example, if you tell me that sir मेरे पास option है वेलिंगकर और पुम्बा में, although वेलिंगकर का package ज़्यादा है, but I would say वेलिंगकर की fees 8 lakh है और पुम्बा की fees उससे बहुत कम है. So if you are purely comparing on basis of अभी कितनी fees भरनी पड़ेगी and a short term 5-year ROI, if you come from a relatively financially not that strong a background, जहाँ पे 8 lakh की fees और समझो 1.5 या 2 lakh की fees में तुम्हारी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, प्लीज प्रेफर पुम्बा एंड नॉट वेलिंगकर, बिकॉज जितना वो डिफरेंस है वो डिफरेंस तुम 2 या 3 साल में ब्रिज कर लोगे अगर तुम अच्छे से काम करते हो तो. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ अ गोल बिहाइंड एन एमबीए और डूइंग अ एमबीए इज दैट मैं यहाँ पे अभी छोटा एमबीए कर लेता हूँ, बाद में अब्रॉड जाके ज्यादा अच्छा एमबीए, ज्यादा अच्छी मास्टर्स डिग्री लूंगा, या फिर यू वॉन्ट टू वर्क इन योर फैमिली बिजनेस, देन प्लीज मेक श्योर दैट तुम जो कॉलेज रिलेटिवली सस्ती है उसमें जाओ. तुम्हें बस जो कंसेप्ट सीखने हैं वो कंसेप्ट सीख के बाद में तुम अपने फैमिली बिजनेस में लग जाओ. When will rankings matter? When you guys, one, are going to use the network of your college for your business, जो तुम खुद से चालू कर रहे हो, नहीं तो फिर when you need to switch jobs.
These are the two places where it's extremely important. Now you'll ask, sir, agar is bar admission na lu to kya karu? What I recommend, guys, is if you're getting anything less than the top 5 or top 6 colleges max, please repeat the year. I know tumhe lagega ki haan sir ke liye to bahut easy hai bolna. नहीं, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को देखना पड़ता है. बट अंडरस्टैंड, जितना तुम वो 6 कॉलेज के नीचे जाओगे उतना वो रिकवरी टाइम तुम्हें अपना लेवल बढ़ाने में उतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा. और समझो कोई अगर 2 साल बाद भी सिडनम से या फिर JBIMS से निकलता है, वो तुमसे एटलीस्ट 6 या 7 साल करियर में आगे निकल जाएगा. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो डिफरेंस अभी तुम 2 साल बचाओगे तब तुम्हारा 6 साल एक्स्ट्रा चला जाएगा. अंडरस्टैंड दैट द कॉस्ट what you are going to face in the future is going to be much more than the investment of 2 years. So, is reasons I am saying that, please make sure that you are going to a better college. For which Krakowie test over the years has been doing extremely well. For example, for the last 3 years, continuously, our 40 plus students JB Sydney mein ja rahe hai, which is a number that is unheard of for any other institute. Especially the fact that we take very less number of students because our sare batches mein hum bahut limited seats rakhte hai. Ya, hamara naya batch abhi hi September mein chalu hone wala hai. If you guys want any information, you can go to my website or call my team. Apart from that, now there are very specific questions about different colleges. NL Dalmia. NL Dalmia college पहले बहुत NL Dalmia मुझे बहुत बार पूछा गया है, इसलिए बोल रहा हूँ. कॉलेज पहले बहुत अच्छी थी बिकॉज उनकी फीस पहले कम थी MMS के अंडर. अब उनकी फीस उन्होंने 16-17 लाख कर दी है जबकि उनका पैकेज इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है. द पैकेज के बाद भी उनकी इन हैंड सैलरी स्टिल लेस है. फ्रॉम द नंबर्स दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु आर एक्स स्टूडेंट्स ऑफ NL Dalmia, अप्रॉक्सीमेटली 60 से 65 से 70,000 इन हैंड सैलरी आ रही है. बट उसके सामने तुम अगर 17-18 लाख जितनी फीस दे रहे हो, ऊपर से NL Dalmia में कैंपस में हॉस्टल नहीं है, तो तुम्हें उधर बाहर रेंट पे रहना पड़ेगा, विच इज द मुंबई एरिया. तुम्हारा कम से कम 4-4.5 लाख जितना खर्चा सिर्फ रहने का हो जाएगा. तुम्हारा MBA 21-22 लाख और तुम्हारी इनकम पर ईयर इन हैंड सैलरी के हिसाब से अराउंड 8 से 9 लाख होगी. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है. दैट इज आई रिकमेंड मत जाओ. अगेन, इफ यू ऑलरेडी हैव अ ह्यूज बैकअप, जैसे फैमिली बिजनेस काफी अच्छा है तुम्हारा, तो तुम कंसिडर कर सकते हो. अदरवाइज आई रिकमेंड डोंट. नाउ XYZ परसेंटाइल पे कौन सी कॉलेजेस मिल सकती है, फॉर दिस चेक द लास्ट ईयर का. यूल फाइंड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ. लास्ट ईयर के जो है वो परसेंटाइल्स को देख लो, वही कट ऑफ के आजू बाजू अप्रॉक्सीमेटली इस बार का कट ऑफ होगा. इससे थोड़ा ऊपर होगा बिकॉज लास्ट ईयर CET में ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, इस बार रिलेटिवली थिंग्स आर गोइंग स्मूथर. सो उससे थोड़ा हाई कट ऑफ होगा इस बार. जस्ट स्टिक विद इट एंड अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट अप्लाई द रैंकिंग्स जिस हिसाब से मैंने कॉलेज में बोले हैं, ये वाली रैंकिंग्स के हिसाब से प्रेफरेंस डाल दो. योर वर्क विल बी डन, उस हिसाब से यू विल कीप क्लाइंबिंग द रैंक्स. अब तो वेल कैप राउंड 2 खत्म हो गया, कैप राउंड 3 के लिए ये कर देना अच्छे से. एंड फाइनली, इफ यू वॉन्ट डिटेल्स अबाउट माई न्यू बैच, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो भी पूछा है, देन गाइज Krakowie टेस्ट कवर्स एवरीथिंग. वी लिटरली टेलर मेक योर एंटायर कोर्स फॉर यू, जिसमें सारे लेक्चर्स मैं बेसिक से एडवांस तक पढ़ाता हूँ. बिफोर द लेक्चर्स तुम्हें फाउंडेशन लेक्चर्स मिलते हैं, हमारी मॉक्स आर लिटरली टॉप नॉच. अपार्ट फ्रॉम दैट द एनालिसिस दैट वी हैव, ऐसा एनालिसिस बाकी कोई भी नहीं देता बिकॉज तुम्हें सिर्फ एनालिसिस देख के इमीडिएटली सब मिल जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो हैव personalized counseling sessions for all the students who enrolled for the particular courses. And apart from that, our mock buddy sessions, जिसमें मैं तुम्हें literally, it's like मैं तुम्हारा हाथ पकड़ पकड़ के तुम्हें बता रहा हूँ कि mock ऐसे देना है. Mock buddy sessions are, I will show you my entire strategy which helped me and a lot of my students score percentiles which got them to JBIMS and CET. So guys, this is all that Krakowie Test course offers, and obviously doubt solving and everything, वो सब तो चलता ही रहेगा. So the best quality and the best intention to get you into JB. As my students say, मुझे चाहिए that तुम JB में जाओ, तुमसे भी ज़्यादा मुझे चाहिए that तुम JB में जाओ. So this is a feedback that many of my students give. Chalo. So bye everyone. I hope this video was helpful for all of you.